हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाला चाय की रेसिपी। सुबह हो या शाम, चाय के बिना हमारा मन नहीं लगता है। तो चलिए आज हम टेस्टी मसाला चाय की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 2 कप चाय बनाऊंगी, तो इसके लिए हम 1 कप पानी डालेंगे। पानी हल्का सा गर्म होते इसमें हम डाल देंगे चाय पत्ती, और चाय पत्ती डाल के इसे हम अच्छे से उबालने देंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक। अदरक को हमने तड़तड़ा पीस लिया है। अदरक डाल के इसमें हम डालेंगे इलायची। तो इलायची को हम हाथों से थोड़ा सा तोड़ देंगे, और मैं यहाँ पे 2 इलायची डालूंगी। इलायची और अदरक को चाय पत्ती के साथ अच्छे से उबालने देंगे। अच्छे से उबालने के बाद इसमें हम डाल देंगे मिल्क। तो यहाँ पे मैं 2 कप मिल्क डालूंगी। मिल्क और चाय पत्ती को हम अच्छे से उबालने देंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम इसे उबालेंगे, ताकि मिल्क और चाय पत्ती का जो फ्लेवर है वो पूरी तरीके से मिल जाए। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच चीनी डाल दूंगी। आप अपने पसंद के अनुसार मिठास डाल सकते हैं। चीनी को हमने पहले इसलिए नहीं डाला है, अगर चीनी हम पहले डालते तो मीठा जो है वो बच जाता था। तो चीनी को हम लास्ट में डालेंगे, और अच्छे से एक बार चाय पत्ती के साथ उबालने देंगे। अगर आप चाहे तो इसी चाय के साथ आप 2 या 3 लौंग भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें अच्छा लगेगा अगर आप बिना लौंग डाल के भी ऐसे बनाएं तो भी अच्छा लगेगा। तो ये हमारी आज की मसाला चाय की रेसिपी तैयार है। तो अब हम इसे छान लेंगे। तो इस तरीके से मसाला चाय की रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। खाने में सच में बहुत ही टेस्टी है, और मैं एक बार इसे पी के देखती हूँ कि कैसी बनी है, फिर मैं आपको बताती हूँ। सच में ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप इस तरीके से मसाला चाय की रेसिपी ज़रूर घर में बनाइए, और सुबह सुबह अपना मूड फ्रेश कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।